हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिश कॉर्नर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी तिल लड्डू रेसिपी। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने लिया है 130 ग्राम या फिर 1 कप साबुत तिल, 100 ग्राम या फिर 3/4 कप पिसी हुई चीनी, आप पूरा भी ले सकते हैं, 150 ग्राम या फिर 1 कप मावा, 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पैन में ऐड करेंगे तिल, उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। तिल को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भूनने पर तिल जो है थोड़ा कड़वा पड़ जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे। तिल रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से पहले 2-3 चम्मच मैंने साबुत तिल रोक लिया है। तिल ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तिल ग्राइंड हो गए हैं, अब हम मावे को भूनते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे मावे को 3-4 मिनट के लिए। हमें मावे को ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इतना भूनना है कि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मावे को भूनेंगे तो जो हमारे लड्डू हैं वो थोड़े सख्त बनेंगे। मावा भुन गया है, अब हम इसे किसी बोल में निकाल लेंगे। उसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, पिसी हुई चीनी या बूरा, या फिर आप गुड़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पिसे हुए तिल, साबुत तिल, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको शुगर फ्री बनाना है तो आप चीनी की जगह स्टीविया भी डाल सकते हैं। मावा गर्म था, चीनी ने भी पानी छोड़ा और तिल में भी तेल था, तो जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, बहुत अच्छी बाइंडिंग हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ईजली लड्डू बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि बाइंडिंग अच्छी नहीं हुई है, जो हमारे लड्डू हैं वो टूटे जा रहे हैं, तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध डालकर बना सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम मिक्सचर को अपने हैंड में लेंगे, उसको अच्छे से बाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसको एक सर्कुलर शेप देंगे। इस तरह हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लड्डू बनाते बनाते जो हमारा मिक्सचर है वो ठंडा हो जाता है, तो हमारे लड्डू फॉर्म नहीं हो पाते हैं अच्छे से, तो उसके लिए हम सिंपली मिक्सचर को कढ़ाई में रखेंगे, 1 मिनट के लिए उसको गर्म करेंगे और वापस से लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। इतने मिक्सचर से हम 10-12 लड्डू बना सकते हैं नॉर्मल साइज़ के। तिल के लड्डू तैयार हैं, विंटर्स में आप इनको इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।